रिलेटेड टू 1990 में सरेंडर मिलिटेंट रहा है। इस वक्त मेरी वेरिफिकेशन इसलिए रुकी हुई है क्योंकि मेरा वो रिश्तेदार एक्स मिलिटेंट था, इसलिए मुझे वेरिफिकेशन इसलिए बंद है सर, क्योंकि मेरा जो पर्सनल वेरिफिकेशन है वो क्लियर है सर। मेरी डेट ऑफ बर्थ 2001 में, 1-1-2001 में। हम सब गरीब घरों से ताल्लुक रखते हैं सर, यही है मेरी रिक्वेस्ट। हमारी सिलेक्शन हुई है अक्टूबर 2021 में। मेरा जो डिपार्टमेंट है वो फूड डिपार्टमेंट है और बाकी मल्टी डिपार्टमेंट हम सेलेक्ट हुए क्लास फोर्थ में अक्टूबर 2001 में सर, 2021 में सर। फिर शेयरी वेरिफिकेशन हो रही है, तब से लेकर आज तक 10 महीने बीत चुके हैं सर, हमारे वेरिफिकेशन अभी फाइनलाइज नहीं हो रहे हैं। हम गवर्नमेंट से, हम अपने डिपार्टमेंट से कह रहे हैं कि हमारा ज्वाइनिंग ऑर्डर वागुजार करें, पब्लिश करें। वो कह रहे हैं कि आपका एंटीसीडेंट रिपोर्ट, आपकी वेरिफिकेशन अभी यहाँ नहीं आई। हम विजिट कर चुके हैं सीआईडी ऑफिसर से, वो कह रहे हैं कि आज होगा, कल होगा, ये अब होगा, अगले मंथ होगा, लेकिन अभी तक नहीं हो रहा है। वहाँ से सर जेडी कह रहा है कि अभी आपके पास 2 महीने, विद इन 1 ईयर आपका सिलेक्शन लिस्ट कैंसिल हो जाएगा, ये वैकेंट हो जाएंगे ये पोस्ट। सर हम वेरिफिकेशन इसलिए बंद है सर क्योंकि मेरा जो पर्सनल वेरिफिकेशन है वो क्लियर है सर। मेरी डेट ऑफ बर्थ 2001 में, 1-1-2001 में हुई है सर, 1 जनवरी 2001। लेकिन मेरा कुछ रिलेटिव टू 1990 में सरेंडर मिलिटेंट रहा है, तब से लेकर मैं उसके बाद 10 साल बाद मेरा जन्मदिन है सर, उसके बाद मैंने बर्थ दी है, तब से लेकर मैं मेरी ग्रेजुएशन में मेरी 12th पास हुआ और मैं मुलाजिम हो चुका हूँ। लेकिन इस वक्त मेरी वेरिफिकेशन इसलिए रुकी हुई है क्योंकि मेरा वो रिश्तेदार एक्स मिलिटेंट था, इसलिए मुझे वेरिफिकेशन। मैं LG साहब से, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से, मैं अमित शाह जी साहब से, सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने लीडरान से, रविंद्र रैना जी से, फारूक अब्दुल्ला जी से, महबूबा मुफ्ती जी, अल्ताफ बुखार से, प्लीज़ सर हमारा स्टैंड लीजिए, हमें क्या कसूर है, हमने क्या बिगाड़ा है किसी का, प्लीज़ हमारे वेरिफिकेशन दे ताकि हम सब गरीब घरों से ताल्लुक रखते हैं सर, यही है मेरी रिक्वेस्ट। सर मैं पुलवामा से हूँ, तो सर हम यहाँ पे आज एक पीसफुल प्रोटेस्ट रजिस्टर करने आए हैं ताकि हमारी जो आवाज़ है वो आला हुकाम तक पहुँच सके, LG सर तक पहुँच सके और DGCID सर तक पहुँच सके। जैसा कि आपने सुना, अभी हमारी वेरिफिकेशन जो है वो लास्ट 10 मंथ से पेंडिंग है, जबकि जो बाकी कैंडिडेट्स थे हमारे साथ सिलेक्ट थे और हमसे मेरिट में लोअर थे सर, लेकिन वो 10 मंथ से रेगुलर सैलरी ले चुके हैं, लेकिन हम अभी भी जो है दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, कभी होम डिपार्टमेंट, कभी GAD, तो कभी CID हेडक्वार्टर सर, कभी CID हेडक्वार्टर जम्मू भी गए हम विंटर में जब वहाँ पे था CID हेडक्वार्टर, फिर यहाँ पे, तो कभी जम्मू, कभी श्रीनगर, और इस वजह से हमारा जो है पूरी लाइफ जो है डिस्टर्ब हो गई है। इससे अच्छा होता था कि हमारी सिलेक्शन ही नहीं हुई होती ताकि हम फर्दर स्टडीज़ पे फोकस कर सके। हम ऐसे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, चूँकि जो क्लास फोर्थ है उसकी एलिजिबिलिटी बस 12th थी, हमारे साथ बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जो बाहर स्टेट्स में प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल कोर्स कर रहे थे, तो अपनी जो है अंडर ग्रेजुएट स्टेटस वो मेंटेन रखने के लिए इन्होंने जो है अपने कोर्सेज नर्सिंग के, इंजीनियरिंग के, वो छोड़ दिए और यहाँ आए थे, क्योंकि इनको लगा था शायद जो है हमारी वेरिफिकेशन हो गई है, हमने रिपोर्ट सबमिट किया पुलिस स्टेशन में, अब हमें ज्वाइन करना होगा। लेकिन इसी चक्कर में हमारे 10 मंथ अभी बीत चुके हैं, हम यहाँ से वहाँ चक्कर काट रहे हैं, एक तो हमारी डिग्रियाँ लॉस हुई, दूसरा हमारा सैलरी का इतना लॉस हुआ, और हमारी जो डिपार्टमेंट में फिर सीनियॉरिटी बननी थी उसका भी लॉस हुआ, और हमारी जो आवाज़ है वो कोई भी नहीं सुन रहा, सिर्फ हमें बोला जाता है अगले मंडे 10 दिन बाद फलान डेट पे मीटिंग होगी, उस डेट पे मीटिंग होगी, लेकिन कोई भी आउटकम नहीं आ रहा है। हमने 4 रिपोर्ट्स अभी तक सबमिट किए हैं डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ के, जिसमें सेंटर का जो CID है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, उसने भी हमें क्लीन चिट दिया है कि हमारा पर्सनल कैरेक्टर जो है वो साफ़ है, और हमें जॉब सूटेबिलिटी भी मिल चुकी है, लेकिन अभी भी हमारे केसेज जो है वो CID हेडक्वार्टर्स में पेंडिंग है और हमारे केसेज फाइनलाइज नहीं हो पा रहे हैं, जिस वजह से हमारी ज्वाइनिंग अभी भी पेंडिंग है और हम दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। और जो हमारे घरों का इकोनॉमिक स्टेटस है वो बहुत ही हम्बल है और हम जो है बहुत ही स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो बात है वो आला हुकाम तक पहुंचे, LG सर तक पहुंचे, ताकि वो इस मसले में लुक इन टू करें और हमें जो है राहत मिले सर।